हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के एमसीक्यूज। व्यूवर्स, इस चैनल पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज के वीडियोस देखने को मिलते हैं। अलग अलग क्लासेस के वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट में ग्रुप किए गए हैं और उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए जाते हैं, तो आप वहां से जाके अलग अलग क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं। व्यूवर्स, आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप अपने रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी दूसरी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रशस्तीज मीन्स, ऑप्शंस आर इन प्रेज ऑफ और पॉपुलर बैटल्स और विक्ट्री। आंसर इज इन प्रेज ऑफ। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। प्रशस्ति जो है एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है इन प्रेज ऑफ, क्योंकि पुराने समय में राजा लोग अपनी प्रशंसा करवाना बहुत पसंद करते थे, तो वो जो पॉइट्स होते थे उनके किंगडम में, उनको बोलते थे कि वो उनके प्रशंसा में, उनके बढ़ाई में अच्छी अच्छी चीजें लिखें, अच्छे अच्छे बुक्स लिखें, तो उनको बोलते थे प्रशस्तीज, जिनमें राजाओं की प्रशंसा के बारे में बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एलोरा केव्स कार्विंग ऑफ विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन इज अ वर्क ऑफ। ऑप्शंस आर गुर्जरा प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास और चंदेलास। आंसर इज राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास किंग्स जो थे उन्होंने एलोरा केव्स में नरसिम्हा की कार्विंग करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोलास रूल्ड ओवर, ऑप्शंस आर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार। आंसर इज तमिलनाडु। आज के टाइम में जो तमिलनाडु कहा जाता है उस एरिया पर रूल करते थे चोलास रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज ऑफन अ क्रिटिक ऑफ रूलर्स ऑफ 7th to 12th century। कौन क्रिटिक था? ऑप्शंस आर प्रशस्ति राइटर्स और कल्हाना और अल्बरूनी। आंसर इज कल्हाना। कल्हाना एक राइटर था, एक स्कॉलर था, लेकिन वो प्रशस्तीज की तरह से, प्रशस्ति राइटर्स जो होते थे उनकी तरह से केवल राजाओं की प्रशंसा ही नहीं किया करता था, उनके बारे में जो गलत चीजें थी उनकी पॉलिटिक्स के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके बारे में वो लिखता था। तो वो एक क्रिटिक था, क्रिटिक स्कॉलर था, क्रिटिक राइटर था। 7th से लेके 12th century तक के जितने भी रूलर्स थे उनकी बारे में जो भी गलत चीजें होती थी उनके बारे में वो लोगों को बताता था, अवेयर कराता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायनेस्टीज विच वर इंगेज इन ट्राइपार्टी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। ऑप्शंस आर चोलास, राजकूटास एंड चौहान्स, और पालास, राजकूटास एंड गुर्जरा प्रतिहारास, और सोलांकी, पालास एंड राजकूटास। आंसर इज पालास, राजकूटास एंड गुर्जरा प्रतिहारास। ये तीन पार्टी थी, इसकी वजह से ही ये जो स्ट्रगल था इसका नाम ट्राई पार्टी स्ट्रगल पड़ा, और ये सभी कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार बनाना चाहती थी और इसलिए स्ट्रगल करते रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेन एवर रूलर्स ऑफ मिडिएवल पीरियड अटैक्ट वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स टू गेट। ऑप्शंस आर एक्सट्रीम वेल्थ और ग्रेस ऑफ गॉड और प्रोटेक्शन एट द होली प्लेस। आंसर इज एक्सट्रीम वेल्थ। क्योंकि क्या होता था उस समय में, जो रूलर्स होते थे वो अपनी वेल्थ को, अपने जो खजाना होता था, ट्रेजर होता था, उसको ज्यादातर अच्छे अच्छे भव्य मंदिर बनवाकर उनके अंदर छुपा कर रखते थे, या फिर मंदिरों में ही इतना ज्यादा
स्पेंड करते थे कि उनकी शान व शौकत दिखाई जा सके कि भाई इतने भव्य मंदिर है। उनका मानना था कि जितने अच्छे अच्छे भव्य मंदिर होंगे उतनी ही उनकी प्रशंसा होगी। तो इसलिए उस समय में जो रूलर्स होते थे जब अटैक करते थे तो ज्यादा से ज्यादा टेम्पल्स पर अटैक करते थे, टेम्पल्स में लूटपाट करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि या तो उन्हें वहां पे ट्रेजर मिलेगा नहीं तो काफी सारा वेल्थ तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि टेम्पल्स के अंदर रूलर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे उसको भव्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट नोन जहमाना रूलर हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी। ऑप्शंस आर पृथ्वीराज चौहान, राजा राजा वन और सोमेश्वरा। आंसर इज पृथ्वीराज चौहान। सोमेश्वरा जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के फादर थे और राजा राजा वन जो था वो चौला रूलर था। तो जो मोहम्मद गौरी था उसको हराने वाला है जो रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। काफी अच्छे राजा थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे और उनकी पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से दो बैटल्स हुई, बैटल ऑफ ट्रेरेन। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए जो कि 1191 में हुई थी, लेकिन सेकंड बैटल जो 1192 में हुई थी मोहम्मद गौरी के साथ में, उसमें वो हार गए और मार दिए गए बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाउन ऑफ थंजावुर वॉज बिल्ट बाय। ऑप्शंस आर सोमेश्वरा, विजयाला और पृथ्वीराज चौहान। आंसर इज विजयाला। जो थंजावुर का टेम्पल है, टाउन है, वो किसने बनवाया था? विजयाला ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर सॉरी मोस्ट पावरफुल चोला रूलर वॉज। ऑप्शंस आर राजेंद्र वन और राजा राजा वन और राजेंद्र टू। आंसर इज राजा राजा वन। सबसे ज्यादा पावरफुल चोला रूलर कौन था? राजा राजा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पल्स बिल्ट बाय चोलास वर। ऑप्शंस आर वर्शिप प्लेसेस और प्लेसेस फॉर सोशल लाइफ और नॉट ओनली वर्शिप प्लेसेस बट ऑल्सो हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ। आंसर इज नॉट ओनली वर्शिप प्लेसेस बट ऑल्सो हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ। चौलास जो टेम्पल्स बनवाते थे वो काफी भव्य होते थे और उनके जो आसपास का जो एरिया होता था वो एक हब होता था इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए। वहां पर क्योंकि शॉप्स होती थी, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, तो शॉप्स होती थी तो इकोनॉमिक लाइफ थी, कल्चरल प्रोग्राम होते थे तो सोशल गैदरिंग भी होती थी, तो इसलिए वो एक हब था इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए। और मंदिर था तो वर्शिप प्लेसेस तो था ही, तो वर्शिप प्लेस होने के साथ साथ वो एक हब भी था इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वेलाला रेफर्स टू। ऑप्शंस आर ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स और आर्टिसंस। आंसर इज एग्रीकल्चरिस्ट्स। वेलाला टर्म जो यूज होती है वो किसके लिए यूज होती है? एग्रीकल्चरिस्ट्स। उस समय में जो एग्रीकल्चर करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, उनके लिए वेलाला टर्म यूज होती थी। जो रिच वेलालाज होते थे वो क्या करते थे? वो पुअर फार्मर्स को अपॉइंट करते थे अपने फील्ड में काम करने के लिए, लेबर्स को अपॉइंट करते थे। और लेकिन जो पुअर फार्मर्स होते थे, पुअर एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, वे लालाज होते थे, वो खुद ही अपने फील्ड्स में काम करते थे। तो वेलाला जो टर्म है वो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए यूज होती थी उस समय में। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ की साथ मिलते रहें। और फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी दूसरी वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।